सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्कर्ष एफएफ यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 बेस्ट शॉर्ट रेंज गन्स विदाउट गन स्किन। मतलब समझ रहे हो, मैं आपको 6 ऐसे शॉर्ट रेंज गन बताने वाला हूँ जो कि सभी के सभी बेस्ट है यार। एंड ये सारी गन अगर आप यूज करते हो तो भाई आप हर एक शॉर्ट रेंज फाइट को विन कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है उस गन की, सो पक्का आप एकदम मास्टर हो जाओगे उस गन में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियो पे क्या ही तो सपोर्ट दिखाया। मतलब 2 दिन के अंदर ही भाई 2000 व्यूज, मतलब एक दिन में 1000 टच करवा देते हो यार, मतलब मजा आ जाता है सच में भाई। इसकी वजह से मैं आपको एक बोनस शॉर्ट रेंज गन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको मिल भी जाएगी बहुत ही आसानी से। यार चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो 6 नंबर गन होने वाला है वो है हमारा M1014। एंड अगर आपके पास कोई सी भी स्किन है ना, तो भाई ऐसे में आपकी M1014 बहुत ही जहर होने वाली है। एंड अगर इस गन की बात की जाए ना, तो यार इसकी शॉर्ट रेंज में सबसे बेस्ट गन मानी जाती है, क्योंकि भाई ये शॉर्ट रेंज में बंदे को 2 से 3 गोली के अंदर खत्म कर देती है। मतलब अगर आप M10 की 2 से 3 बुलेट फायर करते हो ना, तो भाई एकदम बंदा तो खत्म है चाहे जितने लेवल के वेस्ट हो, क्योंकि भाई M10 का जो डैमेज है काफी ज्यादा है। एक ही स्प्रे का जो एक बार में फायर करती है, उतनी बुलेट का भाई काफी ज्यादा डैमेज है। इसलिए अगर बंदा 4 लेवल का वेस्ट पहना रहता है ना, तो भाई M1014 उसको 3 गोली में खत्म ही कर देती है। लेकिन जो चीज जितनी ही अच्छी होती है उतनी ज्यादा खराब भी होती है। तो इसमें खराबी है कि इसका रेंज बहुत ही ज्यादा कम है। सो इसके लिए आप इस गन को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही फाइट कर सकते हो इस गन के साथ। तो इसके लिए चाहिए होगी प्रैक्टिस, तो यार प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा करना। एंड साथ में इस वीडियो को देख लेना भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है M10 चलाने का। एंड परफेक्ट टिप्स है भाई, अगर आप यूज करते हो तो भाई कसम से आप एकदम तगड़े तरीके से M10 चलाने लग जाओ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ 5th नंबर के गन का नाम। एंड भाई ये गन बहुत ही ज्यादा ओपी है। तो बात कर रहे हैं हम अभी P90 का। भाई इस गन में ना आपको भर भर के एडवांटेज देखने को मिलेगा। एंड इसलिए मैं इस गन को 5th नंबर पे रखा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी गन है। इसमें आपको मैगजीन कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, लाइक 60-70 की मैगजीन देखने को मिलती है। एंड ये SMG MO गन है, ठीक है। एंड आप इससे अगर आप ड्रैग सीख लेते हो ना भाई, एकदम जहर स्किन हो जाएगी, देख सकते हो। एंड गाइज, आपको ना इस गन को यूज करते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा हेड लग सके। एंड ये गन का यूज मैं बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में करता था, एंड कभी कभार अगर मुझे अब भी मिल जाती है तो मैं करता हूँ यूज, क्योंकि भाई बहुत ही ओपी गन है यार। अगर आप इसको चलाना चाहो तो AWM के साथ चलाना भाई, मतलब जॉर्ड हो जाएगा एकदम। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ 4th नंबर गन के बारे में। एंड भाई ये गन भी काफी ज्यादा अच्छी गन है मिड रेंज के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमसन गन की। एंड भाई थॉमसन गन का यूज सबसे ज्यादा शॉर्ट रेंज में मैंने किया है, एंड शॉर्ट रेंज में बहुत ही ज्यादा हेड देता है गाइस, बहुत ही ज्यादा। एंड इस गन को अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ड्रैग कर देते हो ना, थोड़ा सा गाइस, मतलब अगर आप 2GB रैम प्लेयर हो, एंड अगर आप सोलो में खेल रहे हो या फिर आप मिड रेंज में फाइट ले रहे हो, मतलब आप सोलो में खेलते हो, तो मैं आपको हमेशा बोलता कि भाई मिड रेंज में फाइट लो, शॉर्ट में ज्यादा ना घुसो। सो यार ऐसे में अगर आप उस सिचुएशन में थॉमसन का यूज करते हो, तो भाई आप हल्का सा ट्रैक करो, चाहे 2GB रैम फोन हो, चाहे हो आपका 8GB रैम, हेड देगा ही देगा, लिटरली आप जाके ट्रेनिंग चेक कर लेना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3rd नंबर गन के बारे में। एंड ये गन होने वाली है हमारी डबल बैरल दो नली शॉर्ट गन। आप कमेंट करके बताना इस गन को आप बोलते क्या हो। बाकी मैं तो इसको डबल बैरल बोलता हूँ, नहीं तो 2 गोली बोलता हूँ, ठीक है। एंड भाई ये गन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड एकदम। एंड आप जिसको ज़्यादा पसंद करते हो ना, Y444 आपके पागल, M10 राइली स्टार आपके, ये सारे मतलब यही गन का यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। एंड आप कैसे यूज़ करोगे यार, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकता हूँ, वीडियो पे कमेंट करोगे तो। बाकी इस गन का भर भर के एडवांटेज है, मतलब आपको डिसएडवांटेज एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 गोली फायर करती है, लेवल 3 तक के वेस्ट को फाड़ देती है 2 गोली के अंदर। एंड आप क्लैश स्क्वाड में चेक ही किए होगे, ठीक है। एंड अगर आपका हल्का सा भी इससे ड्रैग लगता है, तो भाई बंदा चाहे जितना भी पीरो हो, नॉक होना ही होना है, ठीक है। एंड आप इस गन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भाई 2 गोली में बंदा नॉक, 4 की वेस्ट में भी आप नॉक कर दोगे, क्योंकि हेलमेट 3 का ही होता है। एंड आप हेड मारना शुरू कर दिए प्रैक्टिस करके, तो भाई इस गन में मास्टर कर लोगे, एंड सामने वाले खोपड़ी तोड़ ही दोगे, चाहे 80 लेवल का बंदा क्यों ही ना आ जाए, ठीक है। सो इस गन का भी आप लोग प्रैक्टिस करना। एंड अभी 2 गन बची हुई है प्लस बोनस गन,
तो यार उसको तो जानना पड़ेगा ना यार, बहुत तकलीफ है। सो गाइस यार यहां पे सेकंड गन की बात करें तो भाई आपकी फेवरेट गन है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि भाई इस गन का नाम है यूएमपी। एंड भाई यूएमपी से काफी ज्यादा बंदे बोल रहे थे हेड ही नहीं लगता यार, कैसे बोल लो यार, विदाउट गन स्किन में खेल रहा हूँ, देखो हेड लग रहा है। अब आप बोलोगे भाई बंदा तो खड़ा है तब तो हेड लगेगा ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। एंड ये गन बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, मतलब अभी के टाइम पे तो अपडेट नहीं आया है इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। एंड इसकी एक्यूरेसी तगड़ी हो गई है, रेट ऑफ फायर भी सही ही है, इतना खास नहीं है, बाकी कम किया गया है, ठीक है। एंड हेड जो पकड़ती है शॉर्ट रेंज में ना, मतलब इतना मजा आता है चलाने में, आप लोग ट्राई करना, मतलब करते ही होगे, बट हाँ एक बार ट्राई करना ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके तुरंत से, बहुत ही ओपी हेड मारती है गाइस। तो अभी बात करते हैं हमारे टॉप वन जो हमारे गन है, मतलब उनको तो आप महाराजा भी बोल सकते हो सारे गनों का, ऐसा इसलिए क्योंकि यार ना तो वो सारी गन से अच्छे हैं ना वो सारी गन से खराब हैं, मतलब भाई आप उस गन से किसी भी बंदे को बॉडी बॉडी दे सकते हो, किसी बंदे को हेडशॉट भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उस गन के साथ, बस बंदा तो मर ही जाएगा अगर आप एक बार फायर करना स्टार्ट कर दिए तो। तो भाई बहुत ही तगड़ी गन है, इसका नाम है मैग 7, आप लोग गेम प्ले बैकग्राउंड में देख ही पा रहे होंगे। सो भाई इस गन का यूज़ आप लोग करो, अभी जाओ तुरंत सोलो लगाओ एंड खेलना स्टार्ट करो मैग 7 से, भाई क्या ही मारता है यार, मतलब आप इससे बॉडी बॉडी भी बंदे को दोगे ना बंदा खुद भागेगा, बिकॉज यार मैं खुद मानोगे नहीं, मैं स्क्वाड में कभी कभार खेलता हूँ ना तो भाई मेरे पीछे बंदे मैग 7 लेके दौड़ रहे होते हैं और मैं भाग रहा होता हूँ भाई, क्योंकि भाई मैग 7 का ना रेट ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा है, प्लस इसका जो डैमेज है वो तो एकदम सातवें आसमान पे है। एंड हाँ इसका ड्रैग, भाई ड्रैग देख रहे हो, मतलब इतना आसानी से ड्रैग हेडशॉट लगता है ना, मतलब पूछो ही मत, बंदा नॉक तो होना ही होना है, या अगर सोलो में खेल रहे हो तो फिनिश तो होना ही होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी तक आप देख रहे हो तो भाई थैंक यू सो मच, एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ ठीक है। एंड गाइस अब बात करते हैं हमारे बोनस गन की, ये गन टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ टूर्नामेंट में कतई ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। एंड ये गन थोड़ा सा मतलब एक बार में एक ही गोली फायर करती है, एंड जो भी मतलब गोली फायर करती है उससे एक बार में बंदा नॉक हो जाता है, ठीक है। एंड आपको और क्या हिंट दे सकता हूँ कि लाइक हाँ उस गन को आप थोड़ा सा चार्ज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा क्या चार्ज कर सकते हो, एंड चार्ज होने के बाद वो गन एक बार में ही बंदे को नॉक कर देती है, तो उसका कमेंट करो, अगर जिसका कमेंट मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। एंड बस मतलब एकदम अच्छे से लिख के भेजना कि मतलब जो बोनस गन है वो ये है, मैं आपको कमेंट कर देना, मैं आपको पिन कर दूंगा और हार्ट भी दे दूंगा, ठीक है। बस यार वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना, हेडशॉट वाली वीडियो भी आनी बाकी है। एंड बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।